हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाएंगे 2 टायर का 2 kg का केक। बहुत ही प्यारा केक है, आप देखते रहना। तो ये हम बना रहे हैं बेरी फ्लेवर में, वेरी बेरी आता है माला का, तो वो आप देख लेना। बाकी और कंपनी के भी आते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी इससे बना रहे हैं। कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगा था, ये नया फ्लेवर था क्योंकि इसमें होल बेरीज होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी पसंद आया था। तो 12 इंच का मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ड्रम बोर्ड, और ऊपर से स्पॉन्ज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 600 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बना हुआ। मैंने एक साथ ही बना दिया था, तो दोनों में कितना कितना ये तो नहीं मैं बता पाऊँगा, पर हाँ 600 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से हमने बनाया था 7 इंच के मोल्ड में और 5 इंच के मोल्ड में। और जो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलती रहे, जानकारी मिलती रहे, और आप लोग भी सीखते रहे कि किस तरीके से मार्केट में जो केक होते हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ छिपाते नहीं हैं, जो जैसा बनाते हैं अपनी शॉप पे देते हैं वो सब आपको बता देते हैं। अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं उससे हमें पता चल जाता है कि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा है, और जो घर पे बना रहे हैं उनको भी या आस पड़ोस में जो दे रहे हैं उनको भी, सबको ये फ्लेवर पसंद आ रहे हैं। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हालांकि जब बेकरी की बात करते हैं हम, तो 90% काम होता है एग से, ठीक है। होटल में जितना भी हमारा काम होता था एग से ही होता था, एगलेस उसी केस में बनाया जाता था जब किसी को एलर्जी हो एग वगैरह से। तो ये व्हिप क्रीम है, इसको मैंने लीफ ग्रीन कलर से हल्का सा कलर दिया है, ठीक है। तो जब आ जाती है बात एगलेस की, तो बहुत सारी फाउंडेशंस हो जाती है, मेरा मानना ये, क्योंकि बना तो सब कुछ लोगे पर वो क्वालिटी, वो टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए हम मोस्टली क्या करते हैं, अभी हम केक ही बनाते हैं, प्रीमिक्स से बनाते हैं, और पसंद आना चाहिए कस्टमर को। लास्ट रिज़ल्ट या फाइनल रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि कस्टमर को ये लगे कि हाँ भाई केक अच्छा था, बस, ठीक है। अब लोग बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं, प्रीमिक्स अच्छा नहीं होता और ये अच्छा नहीं होता है, लाइट भी चली गई है। आज बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस केक को बनाने में, क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एसी में काम करता हूँ और लाइट वगैरह रहती है, अब लाइट भी चली गई, तो उसके बाद इसका क्या हाल होगा केक का, वो मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा। हमारा केक ठंडा होता अगर अच्छी तरीके, क्योंकि समर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है कि सुबह से लाइट चली जाती है, केक हमारे बिल्कुल ठंडे हो नहीं पाते हैं, फ्रिज भी बिल्कुल कहाँ ठंडे होंगे जब लाइट ही नहीं रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रीमिक्स आते हैं वो फसाई की गाइडलाइंस पे होते हैं, ठीक है। आप लोग रोज़ तो केक प्रीमिक्स खाते नहीं हो, रोज़ तो केक खाते नहीं हो, साल में 2-4 बार खाते होगे मुश्किल से, तो कुछ हद तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। जब उसकी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड कर रही है तो इसका मतलब ठीक ही है। और डेली खाने के लिए तो हम भी नहीं कहते, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि केक हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो हमने बनाया था लीफ ग्रीन कलर से, और ऊपर वाला हल्का सा ग्रीन है, वो कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा, तो देखो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब गर्मी इतनी हो रही है और हम इस पे कर रहे हैं पेंट। अब ये जो केक था ये फोंडेंट में था, अब इसको हमने बनाना है क्रीम में, तो थोड़ा देखो फ़र्क तो आ जाता है। इसलिए हम कस्टमर को पहले से बोलते हैं कि 80% तक हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फोंडेंट है, ये क्रीम केक है। तो ये लीफ ग्रीन कलर है और लेमन ग्रीन कलर है, इससे हमने बना रहे हैं। अब देखो, नॉर्मली 2 kg का केक में आपको ना डावल लगाने की ज़रूरत होती है, ना कोई बीच में केक बोर्ड लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना हैवी होता ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, अब गर्मी इतनी हो रही है, लाइट भी नहीं है, और हमारे जो फ्रिज है वो भी ठंडे नहीं है जी भाई, हम अपना केक निकालें और रख दें कि भाई ठंडा हो गया तो काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे केक का वज़न, ऊपर वाले केक का वज़न अपने आप ही नीचे डाउन होता चला गया, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आखिर में, लेकिन हाँ ठीक है, हमने पिकअप करा दिया, क्योंकि पिकअप का टाइम भी था, तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि डेकोरेशन हमने लगा दी है फोंडेंट की, उसके बाद फ्रिज में कितनी देर रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा रख सकते हैं, 1 घंटा रख सकते हैं, अभी तो समर्स है, जब मानसून आ जाएगा तो फ्रिज में तो बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इतनी स्वेटिंग हो जाती है कि आपका फोंडेंट एक तो सूखता नहीं है, सूखेगा नहीं, तो क्रीम केक पे जैसे भी लगाओगे वो तुरंत मॉइस्ट हो जाता है और गिर जाता है। तो ये हमने नीचे ग्रास बना ली है, ग्रास का इफ़ेक्ट है, और ऊपर भी लाइट अभी तक नहीं आई है, और गर्मी अभी से मार्च अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस कहने ही क्या।
तो जो लोग कहते हैं कि क्रीम फटती है बार बार, तो कारण यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए क्रीम ख़राब होती है। अगर आपके पास एसी वगैरह नहीं है तो आप जो आइस बाउल होता है उसके ऊपर एक तो अपनी क्रीम को विप करें, उसके ऊपर ठंडे पानी के बाउल में रहने दें ताकि आपकी जो क्रीम है थोड़ी स्टेबल रहे काम करने के टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। बार बार आप क्रीम फेंटोगे या क्रीम ठंडी नहीं होगी तो वो क्रीम फटने लगेगी। तो ये ग्रास हमने लगा दी है। अब बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना कैमरे में आपको दिखती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत कहीं पे फिंगर लग जाती है, कहीं पे लाइन होती है। तो ठीक है, तो ये फोंडेंट से हमने ग्रास बना दी है। फोंडेंट का ही ऊपर एक क्या कहते हैं बेस सा बना के, और ये टेडी टेडी नहीं, ये रैबिट है, ठीक है, बनी बना दिया है। और ये जो फोंडेंट के स्टोन मैंने बनाए ना, ये मेरे पे जितना भी बचा हुआ फोंडेंट था मैं सब इकट्ठा करके रखता हूँ, फेंकता कुछ नहीं हूँ, सारे को मिक्स किया मैंने और ये कलर बन गया है, और परफेक्ट कलर बन गया है स्टोन वाला। और इसको हम जेल से चिपका रहे हैं, पानी से चिपकाओ, जेल से चिपकाओ, कैसे चिपकाने से मतलब है, ठीक है। तो आप लोग भी फोंडेंट को फेंके नहीं और स्टोर करके रखे प्लास्टिक के बैग में। ये पिन व्हील मैंने बनाए थे, अब हालांकि हमें ये चिपकाने थे व्हाइट चॉकलेट से, अब लाइट ही नहीं है तो मेल्ट कैसे करते। अभी फिर जुगाड़ करके ऐसी बेम्बू स्टिक लगा दी है और ऊपर भी ऐसे टांग दिया है, बस अपना काम होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे छोटे मिनिएचर मैंने बनाया, छोटा सा एक केक है, छोटी सी कुकीज़ और छोटे छोटे सैंडविच, और ये फ्लावर्स वगैरह तो आप नॉर्मली काट ही लोगे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको सीखना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आइडिया लग जाता है देख के भी। तो अब आपको इस केक को देख के आइडिया लग गया होगा, देखो ज़्यादा काम तो नहीं है। पिन व्हील भी बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं, आपको स्क्वायर फोंडेंट काटना है, चारों कोनों से हल्का आधा आधा कट करना है और अंदर की तरफ मोड़ देना है, बस इतना ही काम है। बटरफ्लाई वगैरह सब बना दी है मैंने पहले से ही, देखो किस तरीके से मैंने रखी थी सूखने के लिए, 3-4 घंटे हो गए इन्हें बना के। मैं सुबह चला गया था, शाम को ये केक बना रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर आप फोंडेंट ड्राई करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको दिख रहा होगा ये केक धीरे धीरे एक साइड से टेढ़ा हो रहा है, लाइट भी आ गई है अब, ठीक है, कोई बात नहीं। फटाफट से हमें डेकोरेशन करना है और हमें अपना केक पहुंचाना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। और जो गड़बड़ होगी उसको हम कैसे ठीक करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो केक बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है 2 केजी का, और ये नाम हमने लगा दिया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और इस केक को आप आराम से 2500, 2800, 2500, 2800 तक दे सकते हो। तो ये है हमारा केक, देखो कुकीज़ है, सैंडविच है, छोटा सा एक केक है बनी के सामने, और एक साइड से ये वजन से टेढ़ा हो गया है, ज़्यादा ही हो गया थोड़ा। तो मैंने क्या किया, दोबारा अभी मैं दिखाता हूँ, इस बनी को निकाला और दूसरी साइड लगा दिया ताकि जो वेट है वो बैलेंस हो जाए। अगर हमारा केक ठंडा होता ना तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और जो हमसे गलती हुई है वो आप ना करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।